नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मेरा नाम सुनील कुशवाहा है और ये जब मैं आज गांव में आया हूँ तो मुझे लगता है कि आपको जेल फेरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताना चाहिए। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों जिनका जेल फेरी का फिजिकल होने वाला है उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उनका एडमिट कार्ड कहाँ से निकलेगा फिजिकल का, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास मोबाइल है और इसमें आप मैं अपनी स्क्रीन पर दे दूंगा आपको। पीबी की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो सबसे पहले ही जो डला है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फिजिकल, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास पीडीएफ में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें देखिए आपको उसमें दिया होगा, उसमें आपके रोल नंबर दिए होंगे। इस रोल नंबर के बीच में जो फिजिकल है वो 12 जुलाई को होगा, फिर इससे इसके बीच में 12 जुलाई को होगा। ऐसे 5 ब्लॉक्स दिए हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जब आप जाओगे नेक्स्ट पेज पर, मतलब सेकंड वाले पेज पर, पहले पेज में कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है कि विद्यार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड, मतलब आपको अपने अंगूठा लगेगा वहाँ आपका, उसके बाद में आधार पर किया जाएगा। इस सूचना पत्र को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के समय साथ लाने के अतिरिक्त आप अपनी पहचान हेतु, तो ये आपको आइडेंटिटी प्रूफ क्या ले जाना है, वो लेना है आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आदि में से कोई एक, इनमें से कोई एक कॉपी एक ले जाइएगा, सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब साथियों इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा। तो देखिए, आपका एडमिट कार्ड कहीं से डाउनलोड नहीं होगा, बिल्कुल हाँ, आपका कहीं से डाउनलोड नहीं होने वाला। आपका जो रिजल्ट है, जो आपने आपका रिजल्ट आया था जेल प्रहरी का, वो आपके पास होगा कि मेरा ये पास का रिजल्ट है, वो आपको ले जाना है। और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो ले जाने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए, द्वितीय चरण हेतु पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी उपयुक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा डाउनलोड किए गए रिजल्ट एडमिट कार्ड, आपका जो रिजल्ट होगा वही आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। रिजल्ट एडमिट कार्ड के साथ अपने मूल दस्तावेज, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, वो ले जाने हैं। मूल दस्तावेज, समस्त मूल दस्तावेज की दो सेट छायापति, मतलब आपको दो दो फोटो को भी ले जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और सारे में भी कौन डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दो छायापति और देखिए दो फोटो आपके पास, अपने फोटो ले जाइए खिंचा के, मतलब फोटो ले जाने हैं आपको पासपोर्ट साइज के आदि, एवं संलग्न प्रपत्र में जानकारी भरकर निर्धारित दिनांक एवं समय पर शारीरिक नापजोक एवं प्रवणता टेस्ट हेतु मोतीलाल नेहरू पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में आपको पहुंचना है। तो साथियों, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, समझ डॉक्यूमेंट में क्या, 10th 12th की आपकी जो मार्कशीट है वो ले जानी है, साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवासी, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ लगेंगे। इसके बाद आपकी मार्कशीट है वो भी आपको इंपॉर्टेंट मार्कशीट ले जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बाद आपको आपको जो एडमिट कार्ड है वो कहीं से भी डाउनलोड नहीं होने वाला, क्योंकि वो असिस्टेंट बोल रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड तो आया ही नहीं मेरा, फिजिकल कैसे दूंगा, कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको ये ही जो ले जानी है, ठीक है, ये जो पी की वेबसाइट पर डला हुआ है वो फॉर्मेट वो प्रिंट करके ले जाना है, साथ में आपके जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स वो ले जाने हैं, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल का वो होगा। इसके अलावा कोई भी न्यूज़ मिलती है तो अभी 2 दिन का टाइम है, मैं आपको 3-4 दिन का टाइम है, मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक तो यही न्यूज़ है और यही आपको ले जाना है, एडमिट कार्ड आपका कहीं से डाउनलोड नहीं होगा। तो साथियों, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा फिजिकल के रिगार्डिंग, मैंने निकाला इसलिए मुझे पता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर।